हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्च भरवा रेसिपी। मिर्च भरवा रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी है, आप घर में आसानी से बना सकते हो। मिर्च बाजार में आसानी से मिल जाएगी आपको, ये नॉर्मल मिर्चों से थोड़ी सी बड़ी होती है। चलिए आज हम बनाएंगे मिर्च भरवा रेसिपी, बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी होती हैं। सबसे पहले इन मिर्चों को लेकर हम ऊपर के जो इसके डंठल हैं उसको निकाल लेंगे। मिर्च को बीच से हम काट लेंगे। और जो अंदर के बीज हैं उसे भी हम निकाल लेंगे। ये हमने मिर्चों को रेडी कर लिया है। अब हम मसाला रेडी करेंगे। 2 टीस्पून हमने हरी धनिया लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्चा, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स करने थोड़ा सा हमने पानी का यूज़ किया है, आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हो। अब थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इस मसाले को थोड़ा थोड़ा मिर्चों के अंदर भर लेंगे। मसाला को थोड़ा ही भरेंगे, ज़्यादा मसाला भरने में कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि पकने पर मसाला बाहर गिर जाता है। हमारी मिर्चों में मसाला भर चुका है, हमारी मिर्ची अब फ्राई करने के लिए रेडी हो चुकी हैं। अब गैस में एक पैन को रख लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। हमारा ऑयल लगभग गर्म हो चुका है। अब इन मिर्चों को पैन में डाल लेंगे। मिर्चों को बीच बीच में थोड़ा पलटते रहेंगे ताकि मिर्च हर तरफ से पक जाए।
मिर्चों को हम मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे ताकि मिर्च हमारी अच्छी तरह पक सके। देखिए हमारी मिर्च काफ़ी हद तक पक चुकी हैं। मीडियम फ्लेम में पकाने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन पकने बाद जो स्वाद आपको मिर्चों में मिलेगा वो लाजवाब है। कहते हैं ना, सबर फल मीठा होता है, लेकिन यह सबर फल थोड़ा तीखा है। मिर्च हमारी लगभग पक चुकी है, अब इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे। आप अमचूर पाउडर पहले ही भी मसाले में मिक्स कर सकते हो, बट हमने बाद में किया है क्योंकि कहीं पर अमचूर पाउडर का स्वाद आएगा, कहीं पर नहीं आएगा, थोड़ा टेस्टी लगेगा। अब मिर्चों को दीजिए, हमारी मिर्च भरवा रेसिपी रेडी हो चुकी है।